आपका मॉनिट्री पॉलिसी टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो देखिये मॉनिटरी पॉलिसी से पहले हमने इन्फ्लेशन टॉपिक जो है वो किया था ठीक है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जनरल राइज़ इन द प्राइस ऑफ कॉम्योडिटीज़ तो जब महंगाई बढ़ती जाती है या फिर जब मार्किट में मनी सप्लाई ज़्यादा है सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और भी हमने इन्फ्लेशन का डिस्कशन जो है कम्प्लीट की थी आ, हमने जब इन्फ्लेशन का टॉपिक किया था तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इन्फ्लेशन नहीं देखा है आप वो भी अच्छे से पहले पढ़ लीजिए ठीक है अब क्या होता है बेसिकली कि जब हमने देखा था कि इन्फ्लेशन है परसिस्टेंट जो है प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है कॉमोडिटीज़ का मार्केट में महंगाई है एंड यू कैन रिलेट टू इट क्योंकि एट प्रेजेंट डेट इज़ एक्चुअली इन्फ्लेशन इन इंडिया अगर हम आज की मार्केट इनफैक्ट in, in इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड जो है अभी इन्फ्लेशन uh, जो है वो देखने को मिल रही है ठीक है हमारी हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की तो वैसे ही uh, मतलब काफ़ी वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू प्राइस हाइक ड्यू टू इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नमेंट फेलियर एंड देर लॉट मोर टू एट ठीक है इस पर सुमित सर ने ऑलरेडी वीडियो बना के भी रखी है श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर कि वॉट इज वट इज़ ऑल हैपनिंग देर ठीक है उसकी तो खैर बात नहीं करेंगे वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की भी प्रॉब्लम है सो so, चलिए वो बात की बात है तो इन्फ्लेशन हमें पता है कि एट uh, प्रेजेंट इंडिया में भी हाई इन्फ्लेशन है डब्ल्यू पी इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ फोर्टीन परसेंट सो वी आर एक्चुअली फेसिंग द इन्फ्लेशन राइट अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब भाई प्राइस राइज तो है लेकिन व्हाट वी आर डूइंग टू कंट्रोल इट और हाउ वी कैन कंट्रोल इट सो द वेरी पावरफुल टूल विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ दैट इज़ द मॉनिट्री पॉलिसी ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है टाइमली टाइम टू तो टाइम मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करती है ये देखने के लिए कि क्या मार्केट में इन्फ्लेशन तो नहीं है या क्या मार्केट में डिफ्लेशन तो नहीं है ना तो इन्फ्लेशन अच्छी है ना तो ज़्यादा डिफ्लेशन अच्छी है डिफ़्लेशन का मतलब हो गया प्र, ज, प्राइस का डिक्रीज़ करना अगर प्राइस डिक्रीज़ होते जाए कॉम्योनिटी के तो ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी है कि प्राइसेस मतलब इंक्रीज होते ही जा रहे हैं होते ही जा रहे हैं ठीक है तो ये भी अच्छी नहीं है तो इसको चेक करने के लिए आर क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है ठीक है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने अच्छे से ये सब जो बेसिक्स हैं वो कवर किए थे ठीक है ओके okay. तो अब हमने मॉनिटरी पॉलिसी जब हमने पढ़ा कि इसमें वेरियस टूल्स हैं देर आर एक्चुअली वेरियस टूल्स एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है जिनको अडॉप्ट करके जो आर है वो मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है तो देर आर वेरियस टूल्स अंडर मोनिट्री पॉलिसी उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो टूल्स हैं ये या तो क्वान्टिटेटिव हो सकते हैं या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं ये हमने इंट्रोडक्ट्री में हमने पढ़ा था कि या तो मॉनिटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं क्वान्टिटेटिव होंगे या तो क्वालिटेटिव होंगे सब क्वान्टिटेटिव टूल्स एक्चुअली वी हैव डन हमने क्वान्टिटेटिव टूल्स जो है हम वो कर चुके हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टैटिक इकोनॉमी का भी पार्ट है यह ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नो वट इज अ रेपो रेट वट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट एज सच ठीक है हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच पार्ट वन एंड पार्ट टू जिससे आपको बेसिक्स मॉनिटरी पॉलिसी के सारे क्लियर होंगे एंड यू वुड गेट टू नो दैट व्हाट आर क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल दी प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज और टू कंट्रोल दी प्राइस स्टेबिलिटी इन दी मार्केट ठीक है तो ये सब हमने क्वांटिटिव टूल्स में पढ़ा था तो हमने क्वान्टेटिव टूल्स कौन कौन से हमने पढ़े थे हमने रेपो रेट पढ़ा थाने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था फिर हमने एम एस एफ पढ़ा था ठीक है विच इज़ दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमने वो किया था देन वी डिड बैंक रेट उसके बाद हमने कैश रिजर्व रेशो सी आर आर स्टडी किया था फिर हमने स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो एस स्टडी किया था ठीक है उसके बाद हमने ओ किया था विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन ठीक है जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय और सेल की जाती हैं देन हमने बात की थी मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम की जिसको हम स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं ठीक है एम हमने इसकी बात की थी तो ये इंपॉर्टेंट क्वान्टिटी टूल्स थे जिनकी हमने बात की थी ओके टुडे विल टॉक अबाउट टुडे विल टॉक अबाउट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स ठीक है आज हम बात करेंगे किसकी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड की या फिर जिसको हम क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं सो लेट्स गेट ऑन टू दिस स्लाइड सो दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और डायरेक्ट क्वालिटेटिव मैथड्स और और सॉरी और, और इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं इसको हम क्वालिटेटिव मैथड भी कहते हैं और इसको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स भी कहते हैं ठीक है अब देखिए इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स क्यों कहते हैं या क्वालिटेटिव क्यों कहते हैं ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मैथड्स तो देखिए क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमने क्या किया था हमने मतलब हमने तो नहीं किया था मॉनेटरी पॉलिसी ने किया था ठीक है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो आती है वो क्वांटिटेटिव रूल्स टूल्स जो है वो क्रिएट करती है ना अंडर क्वांटिटेटिव टूल्स जो है एम uh, पी ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है इसमें इंटरेस्ट रेट सेट करती है ऐसा ही होता है इंटरेस्ट रेट सेट करती है कि भाई रेपो रेट इंक्रीज कर दी तो उससे क्या होगा Uh, जब एम ने जब मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी ने क्या किया रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट इज अ इंपॉर्टेंट एक की पॉलिसी रेट भी इसको कहा जाता है ना एक कोंटिटिव टूल में रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बाकी जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे वो भी रेट इंक्रीज कर देंगे तो बेसिकली वी हैव अ नंबर हमारे पास एक इंटरेस्ट रेट का एक नंबर है फॉर एग्जांपल रेपो रेट अगर अभी चार परसेंट चल रहा है तो चार परसेंट इज अ क्वांटिटी है ना सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज क्वांटिटेटिव टूल्स ठीक है वेयर एज अगर हम क्वालिटेटिव मैथड्स की बात करें जो जो अभी आज हमने स्टडी करने हैं तो क्वालिटेटिव मैथड्स जो हैं दे डोंट सिग्निफाइज एक्चुअली अ नंबर सो दैट्स वाई इनको क्वालिटेटिव कहा जाता है या फिर इनको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट का मतलब तो समझ गए लोन ठीक है आप सिंपल समझिए क्रेडिट मतलब लोन ठीक है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है कि या प्रॉपर सिलेक्शन होती है कि, कि किसको लोन देना है क्रेडिट देना है लेकिन किसको देना है मतलब सिलेक्टिव मतलब देर इज अ सिलेक्शन हेयर इन क्वालिटेटिव मेथड वी डू सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन ऑफ एक्चुअली द एरिया सिलेक्शन ऑफ द सेक्टर ठीक है टू विच द क्रेडिट और लोन हैजू बी प्रोवाइडेड कि किस सेक्टर को लोन देना है किस सेक्टर को किस प्रियोरिटी सेक्टर को आपने कंसिडर करना है क्रेडिट देने के लिए सो दैट्स वाई दीज मेथड्स आर कॉल्ड एड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और डायरेक्ट मैथड और क्वालिटेटिव मैथड ठीक है और अगर मैं क्वान्टिटेटिव मैथड की बात करूँ तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ मैंने ऐड किया है अगर मैं क्वानिटेटिव जो ऑलरेडी हम टूल्स कर चुके हैं क्वान्टिटेटिटिव मैथड्स जो हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ठीक है जिसमें हमने ये सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो सी आर आर एस एल आर ठीक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो भी होता है ये सारे हमने स्टडी किए थे ये क्वान्टिटेटिव टूल्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव टूल्स आर जनरल दे आर जनरल जनरल का मतलब क्या हो गया क्योंकि अगर एक पे या इनडायरेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट का मतलब क्या ये इनडायरेक्ट है या जनरल है जो क्वान्टिटिव टूल्स होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इनकी, इनके इनके ऊपर क्या होता है कि इनके ऊपर जब इफेक्ट आता है मतलब जब जैसे रेपो रेट पे इफेक्ट आएगा या रिवर्स रेपो रेट पे इफेक्ट आएगा या सी आर आर पे इफेक्ट आएगा या एस एल आर पे इफेक्ट आएगा या एम एस एफ पे इफेक्ट आएगा तो उससे डायरेक्टली उससे क्या होगा जब इन रेट्स पे इफेक्ट आएगा जो आर बी आई बनाएगी तो उससे क्या होगा कमर्शियल बैंक्स को इफेक्ट आएगा जो बैंक्स हैं जिनके साथ हमने डील करना है या जिनके साथ नॉर्मल पब्लिक ने डील करना है तो जब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इफेक्ट आएगा तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या करेंगे हमारे ऊपर इफेक्ट लेंगे तो बीच में एक सेंट्रल बैंक बीच में आ जाता है आर और कस्टमर्स के बीच में एक अलग से जो है हमारे बैंक्स आ जाते हैं शेड्यूल बैंक्स आ जाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं तो बीच में बाकी बैंक्स भी आ जाते हैं तो दैट्स वाई द इफेक्ट इज इनडायरेक्ट बट द इफेक्ट इज देयर ठीक है तो, तो रेपो रेट अभी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आ, आ, बताया कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है और अभी जून में जो है फिर से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है बैठेगी और एक नई मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगी ठीक है जैसे अभी अप्रैल में आई थी तो अप्रैल में जो ऑल दो इन्फ्लेशन वास्त लेकिन जो भी रेट्स हैं वो अनचेंज रखे गए उनमें कोई चेंज नहीं आया रेपो रेट जो चार परसेंट था चार परसेंट ही रहा तो देर इज देर वॉज अ सी आर आर फोर परसेंट था फोर परसेंट ही रहा एस एल आर एटीन परसेंट था एटीन परसेंट ही रहा तो यहाँ पे जो रेट्स में चेंज नहीं आए लेकिन अब एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्फ्लेशन है आर बी आई के ऊपर प्रेशर है ठीक है तो हो सकता है अभी जो अभी वैसे मैं ऐसे मतलब शॉर्ट ही नहीं दे सकती बट जो सिचुएशन है मार्केट की उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि जो आर बी आई है वो अपने जो ये क्वान्टिटेटिव टूल्स हैं ठीक है ठीके? जो भी रेपो रेट है जो भी बाकी रेट्स हैं हो सकता है उनको इंक्रीज़ करें अगर आर उनको इंक्रीज करता है तो यू विल सी जो हमारे हाउसिंग लोन है जो हम जैसे हम क्या लेते हैं हम हाउस हाउसिंग लोन लेते हैं पर्सनल लोन लेते हैं एजुकेशन लोन लेते हैं सो वी विल सी कि उनमें भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा उसके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे तो जब की रेट्स जो हैं जब क्वान्टेटिव टूल्स के जो रेट्स हैं जब वो इंक्रीज़ होते हैं ना जब उनके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो जो बाकी फील्ड्स में भी फर्क आता है जैसे हाउसिंग है एजुकेशन है पर्सनल लोन है इस पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके इंटरेस्ट रेट भी हमें बढ़ते हुए दिखेंगे ठीक है या फिर आपने कार लोन लेना है कोई भी लोन लेना है तो आप देखेंगे उसमें भी आपको आ, मतलब इंक्रीज दिखेगा उन इंटरेस्ट रेट्स में भी ठीक है ओके तो लेट्स अब देखिए जो भी हमने आज तो अगर आपने इन केस अगर कोई लोन वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसको अभी ले लीजिए क्योंकि हो सकता है उसके इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाए ठीक है अगर नहीं हुए तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैम ने बोला था इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होंगे तो हुए नहीं बट जो मार्केट की सिचुएशन है मैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ ठीक है चलिए बात करते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स की ठीक है या फिर जिनको हम क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं ओके तो देखिए ये क्या है सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमने पढ़ना है इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स में तो जैसे क्वांटिटेटिव में बड़े सारे मेथड्स थे इसमें क्वांटिटेटिव uh, में बड़े सारे टूल्स थे बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे तो वैसे ही क्वालिटेटिव में हमने uh, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार टूल्स uh, इसमें हमने पढ़ने हैं ठीक है फोर टूल्स वी हैव टू स्टडी अंड क्वालिटेटिव सो द फर्स्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग ना वॉट इज दिस क्रेडिट राशनिंग देखिए राशनिंग का मतलब हो गया आप समझिए एलोकेशन एलोकेट करना ठीक है राशनिंग क्या हो गया यहाँ पे एलोकेट करना नाउ क्रेडिट राशनिंग मतलब क्रेडिट मतलब लोन ठीक है लोन को लोकेट करना कि भाई किस सेक्टर को आपने कितना लोन देना है ठीक है ऐसे समझिए इसको क्रेडिट राशनिंग को अब देखिए होता क्या है कि कई बारी जो बैंक्स हैं उनके पास क्रेडिट कम होता है मतलब उनके पास लोन जो देने के लिए उनके पास जो सपोज कैश जो है वो कम है ठीक है लोन प्रोवाइड करने या फिर उनके पास उनके पास इतनी ही अथॉरिटी है कि भाई आप इतना ही लोन जो है वो दे सकते हैं कस्टमर्स को ठीक है तो इस केस में क्या हो जाता है कई बारी जो बड़े बिजनेस हाउस हैं जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है ठीक है वो क्या करते हैं वो आ, ये जो या जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं ठीक है थीके? वो क्या करते हैं वो ये क्रेडिट जो है वो ले जाते हैं वो ये लोन है जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं तो उनको आप आप नॉर्मली भी देखेंगे ठीक है कोई छोटा मोटा इंसान जो है वो लोन लेने चला जाएगा तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी हो सकता है इतनी लोन नहीं लेकिन कोई बड़ा बंदा जो है ऑलरेडी जो नोन है रिनाउंड बंदा है जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है मार्केट में ठीक है वो अगर लोन लेने जाएगा तो उसको जी फटाफट से लोन जो है मिल जाएगा ऐसा नॉर्मली होता है ना तो जो बड़े बिजनेस हाउस हैं जो फिनेंशियली स्ट्रांग बंदा है उसको तो वैसे ही सेक्टर जो है उसको वैसे ही जो है लोन मिल जाएगा ठीक है इस चीज़ को चेक करने के लिए जो आरबीआई है वो बनाती है क्रेडिट राशनिंग ठीक है तो आरबीआई क्या कहती है कि भाई वो आरबीआई जो है वो डायरेक्ट करती है बैंक्स को कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं या जो वीकर सेक्टर्स हैं या फिर जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं जो नेसेसरी सेक्टर्स जो भी हैं उनको जो है उनको नेसेसरी फंड्स दिए जाएँ ठीक है दे शुड नॉट स्टार ऑफ द नेसेसरी फंड्स तो उनको फंड्स जो हैं दिए जाए ओके okay? और आ, जो बैंक क्रेडिट है वो वो ऐसे ही किसी भी नॉन प्रियोरिटी सेक्टर को ना दिया जाए ठीक है तो इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है वो क्रेडिट राशनिंग करती है वो क्रेडिट राशनिंग मेजर लेती है सो दैट द नेसेसरी सेक्टर्स जो है जो इंपॉर्टेंट सेक्शर जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं अब नेसेसरी सेक्टर्स क्या हैं या प्रोरिटी सेक्टर्स क्या हैं तो जैसे एमएसएमई है ठीक है विच इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे एग्रीकल्चर है जैसे एजुकेशन है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिन्यूएबल एनर्जी है ये सारी चीज़ें जो है प्रियोरिटी सेक्टर में आती हैं तो पहले जो फंड्स हैं उनको प्रियोरिटी सेक्टर्स को देने चाहिए उसके बाद जो है नॉन प्रियोरिटी सेक्टर को मिले ये आर जो है ये अडॉप्ट करती है ये मेजर ठीक है अब ये आर ये मेजर कैसे अडॉप्ट करती है तो आर क्या करती है तीन मेजर्स जो है इसमें अडॉप्ट करती है विच इज़ वो क्या करती है एक अपर लिमिट सेट कर देगी ऑन क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या करेगी एक अपर लिमिट सेट कर देगी कि भाई इस अपर लिमिट पे या फिर एक सीलिंग सेट कर देगी सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट है ना एक सीलिंग सेट कर देगी सीलिंग लिमिट बना देगी कि भाई इसके ऊपर जो है आपने लार्ज इंडस्ट्रीज को या लार्ज फर्म्स को आपने क्रेडिट नहीं देना है ठीक है और उसके बाद क्या करेगी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी एक अगर आपने एक सर्टन लिमिट के ऊपर जो है मतलब लोन ले लिया तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा हायर या प्रोग्रेसिव इंटरेस्ट रेट जो है आप हायर उसका वैल्यू इंटरेस्ट रेट सेट कर देंगे तो उससे क्या होगी जो सेक्टर्स होंगे नाउ right? okay. इस, इसलिए किया गया है जिससे कि क्या हो जिससे कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको यू कुड से कि उनको uh, 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 वो लोन लेने के लिए एनकरेज हो रिलेटिवली जो वीकर सेक्टर्स हैं ठीक है प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू वीकर सेक्टर्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स और दिस इज नॉट इंटरनल दिस इज इंटरेस्ट रेट्स ठीक है और अगर इंटरनल भी कह सकते हैं वैसे इंटरनल रेट्स और एक्सटर्न और इंटरेस्ट रेट्स uh, और अगर जो हैं वीकर सेक्टर्स जो हैं ठीक है जो वीकर सेक्टर्स हैं उनको कम क्रेडिट पे मतलब आप या उनको कम इंटरेस्ट रेट्स पे उनको कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट दिया जाए कम क्रेडिट पे नहीं उनको कम इंटरेस्ट रेट्स पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए जो वीकर सेक्टर्स हैं ठीक है थेके? तो ये था क्रेडिट राशनिंग क्या था क्रेडिट राशनिंग बेसिकली राशनिंग करना यानी एलोकेट करना ठीक है क्रेडिट को टू टू दी राइट सेक्टर टू दी प्रियोरिटी सेक्टर विच आर दी वीकर सेक्टर्स ठीक है ऑफ द इकोनमी ओके नेक्स्ट वी हैव चेंज इन लैंडिंग मार्जिन ना वॉट इज दिस चेंज इन लैंडिंग मार्जन्स इसको समझिए आप देखिए चेंज इन लैंडिंग मार्जिन का मतलब हो गया कि जो बैंक है ना बेसिकली वो क्या करता है जो भी आपने देखिए आपने ऐसे समझिए सिंपल आपने अगर सपोज कोई लोन लिया पहले पहले समझ लेते हैं उसको आपने सपोज कोई लोन लिया तो उसके लोन के अगेंस्ट आपको कुछ अब कोई मॉडगेज रखना पड़ता है ठीक है लास्ट लेक्चर में जैसे हमने किया था कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है मतलब एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ता है ना कुछ कोलेटरल कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आप जैसे सपोज प्रॉपर्टी रखेंगे फॉर एग्जाम्पल ठीक है आपने क्या किया प्रॉपर्टी जो है वो एज अ मॉडगेज आपने एज अ सिक्योरिटी आपने बैंक के पास रख दी लोन लेने के लिए अब सपोज अब समझिए लैंडिंग मार्जिन किसे कहते हैं यही कहा गया है यहाँ पे लैंडिंग मार्जिन नाउ व्हाट इज दिस लैंडिंग मार्जिन इस लैंडिंग मार्जिन का क्या मतलब है इसके दो मतलब है देखिए समझते हैं अब होता क्या है होता क्या है सपोज वो प्रॉपर्टी जो है वो जो प्रॉपर्टी जो है जो आपने रखी बैंक के पास सपोज उसकी जो वर्थ है वो है टेन लाख रुपीज़ ठीक है वो दस लाख की वो प्रॉपर्टी है ठीक है लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अगर आपने दस लाख की प्रॉपर्टी को मॉडगेज रखा तो आपको पूरा दस का दस लाख जो है लोन मिल जाएगा नहीं हमें उसकी वैल्यू जितनी भी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की या जो भी वैल्यू होती है सिक्योरिटी की हमें उससे कम अमाउंट लोन में मिलता है तो सपोज हमें लोन मिला एट लाख रुपीज़ ठीक है प्रॉपर्टी थी दस लाख की हमें लोन मिला एट लाख का तो यानी कि ये जो बीच का जो दो लाख है इसको हम बोलेंगे लेंडिंग मार्जिन ठीक है जो दो लाख बचा इसको क्या बोलते हैं लेंडिंग मार्जिन अंडरस्टूड ठीक है अब ये जो लेंडिंग मार्जिन है अब देखिए अगर इस लैंडिंग मार्जिन को सपोज इंक्रीज कर दिया जाए अगर इस लैंडिंग मार्जिन को ये जो दो लाख था ये जो लैंडिंग मार्जिन जो होता है यानी कि जो वैल्यू ऑफ मॉडगेज और जो एक्चुअल आपको जो लोन मिलता है उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वही लैंडिंग मार्जिन हुआ अगर इस लैंडिंग मार्जिन को आप इंक्रीज कर देंगे ठीक है इस लैंडिंग मार्जिन को अगर आर ने कहा कि भाई लैंडिंग मार्जिन की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाए ठीक है ये रूल निकल गया तो मतलब अगर दस लाख की प्रॉपर्टी है ठीक है तो अब आपको जो लोन है ठीक है वो कितना मिल रहा है वो छह लाख मिल रहा है लोन प्रॉपर्टी की वैल्यू तो दस लाख ही है लेकिन अब आपको लोन छह यानी कि जो लैंडिंग मार्जिन है उसको इंक्रीज कर दिया यानी लैंडिंग मार्जिन अब कितना हो गया फोर लाख ,00 हो गया ठीक है ऐसे ही हुआ अब जो लैंडिंग मार्जिन है फोर लाख ,00 हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ लैंडिंग मार्जिन जो है वो कितना हो गया फोर हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ यानी लैंडिंग मार्जिन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है है ना लैंडिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ जब लैंडिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ यानी कि द बायर्स आर डिस्करेज वेन सॉरी uh, uh, जो क्रेडिट जो लेने वाले हैं वो क्या होंगे वो डिस्करेज हो जाएंगे जो कस्टमर्स हैं वो क्या होंगे डिस्करेज हो जाएंगे जो सेक्टर्स हैं वो डिस... अगर आप लैंडिंग मार्जिन को इंक्रीज़ कर देते हो तो वन विल बी डिसक्रेज टू गेट द लोन्स हम लोन्स उस केस में नहीं लेंगे अगर लैंडिंग मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है और अगर इस लैंडिंग मार्जिन को डिक्रीज कर दिया गया अगर आठ लाख से ये जो लैंडिंग अगर सपोज दो लाख लैंडिंग मार्जिन था इसको एक लाख कर दिया यानी अब आपको दस लाख की प्रॉपर्टी है तो अब आपको नौ लाख रुपये जो है वो लोन मिल रहा है तो यानी कि लैंडिंग मार्जिन को अगर आप डिक्रीज कर दोगे नॉ डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सिचुएशन अगर आप लैंडिंग मार्जिन को डिक्रीज कर दोगे तो वन विल बी एनकरेज टू गेट दी लोन ठीक है तो जो है वो एनकरेज होंगे तो ठीक है अभी जैसे जो सिचुएशन है जो अगर मैं मार्केट की सिचुएशन की बात करूं तो इस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लैंडिंग मार्जिन जो है इंक्रीज होना चाहिए या दिक, दिक, या डिक्रीज होना चाहिए तो लैंडिंग मार्जिन शुड बी इंक्रीज्ड ताकि जो आ, सेक्टर्स जो है दे दे वुड गेट डिसकरेज टू गेट द लोन्स ठीक है अंडरस्टैंड लेकिन हां अब अगेन इसमें डिपेंड करता है क्योंकि इसमें हम ज्यादा वीकर सेक्शन या प्रियोर्टी सेक्टर्स की बात करते हैं तो जो प्रियोरिटी सेक्टर्स हैं उनके लिए जो लैंडिंग मार्जिन है वह कम होना चाहिए और जो नॉन प्रियोरटी सेक्टर्स हैं उनके लिए जो लैंडिंग मार्जिन है वो ज्यादा होना चाहिए ठीक है ताकि Uh, जो uh, मतलब आप कह सकते हो जो जो प्रियोरिटी सेक्टर्स हैं उनको लोन इजीली अवेलेबल हो उनको एनकरेज हो और लोन लेने के लिए ठीक है तो ये ऐसी सिचुएशन जो है रहती है तो होपफुली लैंडिंग मार्जिन आपका क्लियर हो गया अब देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है द बैंक्स प्रोवाइड लोन अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी द गैप बिटवीन द वैल्यू जो गैप होता है बिटवीन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो वैल्यू ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड अमाउंट एडवांस्ड इज कॉल्ड लैंडिंग मार्जिन इसको लैंडिंग मार्जिन कहा जाता है द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज़ और डिक्रीज द लैंडिंग मार्जिन तो जो सेंट्रल बैंक है ठीक है अंडर इट्स मॉनिटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है वो इस लैंडिंग मार्जिन को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है ठीक है विद व व्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज दी बैंक क्रेडिट ओके अगर उसको बैंक क्रेडिट जो है ईजिली अवेलेबल करवाना है तो वो जो है लैंडिंग मार्जिन को डिक्रीज कर देगा अगर उसको आर को अगर जो मार्केट की ऐसी सिचुएशन है कि उसको जो लैंडिंग मार्जिन है वो क्या करना है ठीक है वो अगर अगर पैसा इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा लैंडिंग मार्जिन डिक्रीज कर देगा अगर पैसा मार्केट में कम करना है ठीक है ज्यादा करना है अगर पैसा मार्केट में तो जो वो लैंडिंग मार्जिन को इंक्रीज कर देगा ठीक है ये ये है आपका लैंडिंग मार्जिन ठीक है तो अब देखिए कई दिस इज द लैंडिंग मार्जिन कई केसेस में ना सिर्फ मार्जिन दिया होगा मार्जिन अब ये मार्जिन क्या होता है मार्जिन का मतलब होता है कहीं चेंज इन मार्जिन आप कहीं ऐसा ऐसे यार मार्जिन रिक्वायरमेंट कहीं पे आप ऐसा पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट ठीक है ना किसी बुक में अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मार्जिन कहीं मतलब किसी किसी बुक में आपको ये लगेगा दिखेगा कि मार्जिन का मतलब होता है जो डाउन पेमेंट है सपोज आप लोन ले रहे हैं ठीक है कहीं से लोन उठा रहे हैं लेकिन आपको उससे पहले एक डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक है तो उसकी भी यही सिचुएशन है अगर वो जो मार्जिन है अगर वो ज्यादा रखेंगे आप ठीक है अगर आरबीआई वो मार्जिन ज्यादा रखती है यानी कि डाउन पेमेंट ज्यादा रखती है तो ऑब्वियसली डिस्करेज होगा कस्टमर कोई भी क्रेडिट लेने के लिए और अगर उस मार्जिन को कम रखा जाता है ठीक है अगर उस मार्जिन को कम रखा जाता है तो यानी डाउन पेमेंट को कम रखा जाता है तो फिर ऑब्वियसली फिर एनकरेज होंगे लोग क्रेडिट लेने के लिए तो अगेन जो मार्जिन है या जो लेंडिंग मार्जिन है डिपेंड्स कि सेंट्रल बैंक जो उसको इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है विद व्यू टू डिक्रीज और इंक्रीज द बैंक क्रेडिट तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि जो नेसेसरी सेक्टर्स है ना जो नेसेसरी सेक्टर्स हैं ठीक है थीके? जो भी नेसेसरी सेक्टर्स हैं उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होना चाहिए जो भी नीडी सेक्टर्स हैं और जो नॉन नेसेसरी सेक्टर्स हैं उनके लिए मार्जिन लेवल जो है वो इंक्रीज करती है आरबीआई ठीक है ऐसा आरबीआई ने ऐसा रखा हुआ है ठीक है ओके समझ आ गया ऑलराइट right. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है मॉरल सुएजन ठीक है ये थर्ड दिस इज द थर्ड यू कैन से टूल ऑफ क्वालिटेटिव मेथड अंडर मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है न वॉट इज दिस मॉरल सुएजन देखिए मॉरल मॉरल बहुत ही ईजी सा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉरल सुएजन का मतलब है ये मॉरल वर्ड आप समझिए मॉरल ठीक है एथिकली मॉरली करेक्ट होना ठीक है तो इस केस में आर जो है वो क्या करती है वो समझाती है वो कन्विंस करती है वो परजुएड करती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो क्या करें क्रेडिट जो है वो दें इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो जो आर है जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का वो कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि भैया जी आप जो हैं क्रेडिट जो है वो डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल हमारे कहे गए जो डायरेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है क्रेडिट सेक्टर्स को वेरियस सेक्टर्स को प्रोवाइड करें जिससे कि और जो कि में हो जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में हो ठीक है जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है कंट्री का उसके अंतर्गत ही आप जो है क्रेडिट एडवांस करिए वेरियस सेक्टर्स को ठीक है अंडर दिस मेथड इज सेंट्रल बैंक में क्या करती है सेंट्रल बैंक जो है वो लेटर letter, लेटर्स लिखेगी या फिर मीटिंग्स जो है वो भी कर सकती है कमर्शियल बैंक्स के साथ ठीक है मनी और क्रेडिट को लेके इनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके और परजुएट करेगी बैंक्स को कि वो उसकी इंस्ट्रक्शंस और मतलब सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही काम करे एंड इट शुड बी इनटू द इंटरेस्ट एज अ होल ठीक है समझ आ गया मॉरल सुजन में क्या होगा वो परजुएड करेगी कन्विंस करेगी जो रिजर्व बैंक है कमर्शियल बैंक्स को कि भाई आप जो है प्रॉपरली डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो इंटरेस्ट uh, पे uh, या जो लोन है वो वो प्रोवाइड करिए बैंक्स को तो देर आर देखिए ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि बड़े सारे फ्रॉड्स एक्चुअली होते हैं अब तो थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत जैसे जैसे टाइम आता आगे चलता जाता है वैसे वैसे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो रही है देयर देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गेटिंग इनटू इट लेकिन अभी अ, लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर हम पास्ट में भी देखें तो बड़े सारे स्कैम्स जो हैं इकोनॉमिक स्कैम्स जो हैं ये ऐसा होते हैं जो बैंक फ्रॉड्स हैं वो होते हैं ठीक है ओके okay. uh, किसी भी इंसान की मतलब ऐसे ही किसी को भी लोन जो है वो दे वो दे दिया जाता है ठीक है हर्षद मेहता की ही जैसे आप स्टोरी जो है देख सकते हैं कि कैसे बैंक बैंक्स uh, ने जो है लोन uh, जो है देते गए देते गए ठीक है विदाउट गेटिंग एक्चुअली इन टू द प्रॉपर पेपर वर्क एंड ऑल तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि इसीलिए ये uh, जो आर बी आई है उसको इट हैज़ टू कीप एन आई इट हैज़ टू कीप अ चेक ऑन टू द कमर्शियल बैंक्स कि वो जो है किनको क्रेडिट जो है प्रोवाइड कर रही है उनके इनको प्रोवाइड नहीं कर रही ठीक है ओके सो द लास्ट वन इज़ डायरेक्ट कंट्रोल्स ठीक है अब क्या हुआ आरबीआई ने कहा कि भई प्यार से आपको बहुत समझा लिया मॉरल स्वेजन हमने बहुत कर ली मॉरल स्वेजन में वो परसुएट करेगी कन्विंस करेगी कमर्शियल बैंक्स को लेकिन अगर कमर्शियल बैंक्स जो है आप एडेयर नहीं करते हैं अगर सपोज नॉर्म्स को तो फिर जो है आर जो है देन इट कम्स इन एक्शन और फिर जो आर जो है वो क्या कर सकती है जो आर है वो स्ट्रिक्ट uh, एक्शन uh, भी ले सकती है ठीक है आर बी नाउ कैन इंटरवीन एंड इट कैन टेक सम स्ट्रिक्ड एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक जो कि किस में आ जाता है डायरेक्टिव कंट्रोल्स में आ जाता है ठीक है वे आर ऑल अदर मैथड प्रूव इन इफेक्टिव जहाँ पे अगर बाकी कोई मैथड जो है सपोज इन इफेक्टिव जो है, है वहां पर जो मोनिटरी अथॉरिटीज क्या करेंगी दे विल रिजॉर्ट टू डायरेक्ट सेंट्रल मेजर्स विथ क्लियर डायरेक्टिव टू दी बैंक टू कैरी आउट दी लैंडिंग एक्टिविटी इनपेसिफाइड मैनर देर आर हाउवर रेयर इंस्टेंसिस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स ठीक है रेयर इंस्टांसिस हैं डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स इतने अपनाने की आर बी आई को नीड नहीं पड़ती है ठीक है वैसे तो बट इट इज़ कि यहाँ पे जो है आर बी आई देन इट इट कैन कम इन टू एक्शन इफ और इट कैन टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी कमर्शल बैंक इफ इट डज नॉट एडहीयर टू द पॉलिसीज़ और डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बैंक एज डायरेक्टेड बाय दी सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ठीक है तो ये जो है ये हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स थे ठीक है तो ये मैंने एक दो यहाँ पे एम जो है वो यहाँ पे लाए हैं ये एम जो है अभी रिसेंटली जो जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था जेके एस का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉनिटरी पॉलिसी का तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है ये ठीक है क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग जो हमने मॉनिटरी पॉलिसी जब मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था मॉनिटरी पॉलिसी का जो पार्ट वन था उसमें आपने देखा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी के हमने करे थे इन दी आई गेस इन दी फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ ऑफ द नोट्स विच वी रेड तो उसमें हमने ये देखा था कि मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ठीक है चीके? तो उसमें हमने मॉनिटरी पॉलिसी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव किए थे इफ़ यू रिमेंबर इन पार्ट वन सो वॉट ऑल दी दिस दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी वर्क ठीक है हमने किए थे ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरी पॉलिसी के ग्रोथ है इम्प्लॉयबिलिटी है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस है फॉरन एक्सचेंज को स्टेबल करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वलीब्रियम करना है यही सब हमने किया था ये सारे मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ है बिल्कुल है ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो आप बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पढ़ा तो था बट ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी राधर इट इज़ अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी और इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी है ना ये मॉनिटरी पॉलिसी का एक टूल है एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है एक रेट है जिसके थ्रू हम मॉनिटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी राइट ओके एक्सचेंज रेट इनस्टेबिलिटी देखिए इनस्टेबिलिटी तो है नहीं किसी भी एंगल से स्टेबिलिटी है अगर होता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वो है ऑब्जेक्टिव ठीक है प्राइस इनस्टेबिलिटी नहीं है प्राइस स्टेबिलिटी है ठीक है तो ये तीनों तो मॉनेटरी uh, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेफिनेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन जे एस एग्जाम ऑफ जेके एस एस बी रिसेंटली विच वॉज हेल्ड ठीक है कुछ महीने पहले हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस एन इंक्रीज इन दी आर आर वाट डज इट मीन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज करना चाहा कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज करना चाहा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा या उसका क्या मतलब है ठीक है द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी लेंड जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कम पैसा होगा लैंड करने के लिए देने के लिए ठीक है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लेस मनी टू स्पेंड ठीक है यूनियन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद सीआरआर ठीक है ये रिजर्व बैंक की ही पॉलिसी है तो यूनियन बैंक जहां जहां पे है सॉरी यूनियन बैंक कह रहे हो यूनियन गवर्नमेंट जहां जहां पे है यूनियन गवर्नमेंट आप उसको तो सीधे हटा दीजिए ठीक है सो विल 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 लुक फॉर ऑप्शन ए लेटर तो अभी बी को तो आप क्रॉस कर दीजिए तो यूनियन गवर्नमेंट हैव मोर मनी तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट आप यूनियन गवर्नमेंट को देखिए सीधे इसमें देखिये सी आर आर रेट इंक्रीज हो गया अब सबसे पहले सी आर आर होता गया है हम ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कैश रिजर्व रेशो इज दैट रेशो ऐसा रिजर्व uh, इतना पैसा ठीक है कितना पैसा जैसे फोर परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक्स हैं उनको रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास ठीक है रिजर्व बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके पास जो पैसा रिजर्व रखते हैं जो कमर्शियल बैंक रफली ठीक है लेमन लैंग्वेज में उसको हम सी बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो को बोलेंगे अब अगर कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर दिया जाता है इसका मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कम पैसा होगा स्पेंड करने के लिए उनके पास कम पैसा होगा क्रेडिट देने के लिए सो इट विल हैव